हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड एंड योर मैम इज आल्सो गुड। थॉट ऑफ द डे मीनिंग आज का सुविचार, नेवर शेयर यू सीक्रेट विद एनीवन, इट विल डिस्ट्रॉय यू। मतलब अपने रहस्यों को कभी किसी के साथ साझा ना करें या तुम्हें नष्ट कर देगा। टुडे आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट, दिस इज योर हिंदी बुक। योर हिंदी बुक नेम इज विरिका स्वर। ओपन योर हिंदी बुक। Today we have learned E ki matra. Okay, now start and listen carefully. Ka plus ri equal kri. Ka kaperi ki matra kri. Ka ko jab humne ri mein add kiya, usko jab hum logon ne barabar karke likha, to yahan par kya likha? क कपरी की मात्रा क्री, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? री की मात्रा। इसी तरह से च प्लस री इक्वल, इक्वल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बराबर। प्लस मतलब जोड़ देंगे चा को री को, तो क्या बन जाएगा? च चापरी की मात्रा ची। ट प्लस री इक्वल ट टापेरी की मात्रा ट्री। का प्लस री की मात्रा इक्वल क कपेरी की मात्रा क्री। देखिए ऊपर क्या था? री राइट था ना, यहाँ पर इसकी मात्रा को दर्शाया गया, दिखाया गया ना। चा प्लस मतलब चा को जोड़ना है किसमें? री की मात्रा में। बराबर च चपेरी की मात्रा ट्री। ट प्लस री की मात्रा बराबर मतलब इक्वल ट टपेरी की मात्रा ट्री। इसी तरह से हम लोग देखिए आगे पढ़ेंगे। व वापेरी की मात्रा छ वृक्ष। क कपेरी की मात्रा श क कृषक। व वापेरी की मात्रा श भ वृषभ। न नापेरी की मात्रा प नृप। मा मापेरी की मात्रा ग मृग। हम लोग अभी क्या रीड कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? री की मात्रा। री की मात्रा जो होती है उसको र पर ई की मात्रा री इस तरह से भी होता है, बोल सकते हैं ना। और इसकी मात्रा का प्रयोग हम लोग संस्कृत भाषा में भी करते हैं। जब आप लोग बड़े क्लास में जाओगे, आगे क्लास में जाओगे, जब आप लोग संस्कृत पढ़ोगे, तो उसमें भी री के मात्रा का प्रयोग किया गया है। और री की मात्रा हम लोग वर्ड के नीचे लगाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, घ घ पे री की मात्रा त घृत। ना ना पे री की मात्रा त नृत। मा मा पे री की मात्रा त मृत। क क पे री की मात्रा प प पर आ की मात्रा कृपा। व व पर री की मात्रा थ थ पर आ की मात्रा वृथा। घ घ पर री की मात्रा ड़ा ड़ा पर आ की मात्रा घृा। मा मा पर आ की मात्रा त त पर री की मात्रा मात्र। प प पर ई की मात्रा त त पर री की मात्रा पितृ। क क पे री की मात्रा श श पर ई की मात्रा कृषि। यहाँ पर जो ई की मात्रा वो बड़ा खड़ी में किस लाइन में आएगा, मैंने आपको बताया था ना आप लोग फिंगर पे कि ये जो रो है, ये जो लाइन है, इस पर काउंट करेंगे। क क कि की कु कु के कै को कौ कंग कहा, बारह खड़ी हो गई ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना। तो ये जो ई की मात्रा है कहाँ पे है? क क कि नंबर 3 पे है ना। यहाँ पे देखिए आ म र र पर ई की मात्रा री त अमृत। श द
दापेरी की मात्रा श, शदिश। व वापरी की मात्रा व्री, ह, द, वृहद। क कापरी की मात्रा क्रे, प पापर आ की मात्रा प, ला लापर उ की मात्रा लू, कृपालु। ला जो है ये बारह खड़ी में किस रो पर आया है, आप लोग फिर ऐसे देखिए पढ़ लेंगे, क का कि की कु, कितने नंबर पर आया है, फाइव है ना। प पापरी की मात्रा प्री, थ क पृथक। क कापरी की मात्रा क्री, त क कृतक। श शापरी की मात्रा श्री, ज न सृजन। क कपरी की मात्रा क्री, प या पर आ की मात्रा कृपया। ह हापर री की मात्रा, ये जो यहाँ पर देखिए री की मात्रा है, द या हृदय। स सापर उ की मात्रा सु, द दापरी की मात्रा दृढ़ सुदृढ़। ना नापे री की मात्रा नरी, सा सापर अंग की बूंदु संग, सा नरी संस। मा मापे री की मात्रा मृत, त क मृतक। द दापरी की मात्रा दृढ़ दृढ़। द तापर आ की मात्रा ता दृढ़ता। मा मापे री की मात्रा मृत, द दापर उ की मात्रा दू, ल मृदुल। घ घपरी की मात्रा घृ, रापटी की मात्रा ड़ी, त घृणित। व वापर ई की मात्रा व्री, अंग की बिंदु, द दापर आ की मात्रा द वृंदा। व न वन वृंदा वन। मा मापर आ की मात्रा म, त तपरी की मात्रा त्री मात्र। भ भापर उ की मात्रा भू, त तपर ई की मात्रा त्री मात्र भूति। घ घपरी की मात्रा घृ, त घृत। पा पापर आ की मात्रा पात्र पात्र, घृत पात। आपको इस तरह से अच्छे से इसको रीड करना, ठीक है। नेक्स्ट पेज आपका क्या है, मा मापरी की मात्रा ग्र मृग, ब च बच। ग या पर आ की मात्रा गया मृग, बच गया। गया में बड़ा खड़ी में ये कौन सी लाइन पे आया, या कब क आ की मात्रा है ना, तो ये दूसरी लाइन पे है ना। अच्छे से रीड करिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन राइट है एंड आंसर भी इसी में। आपसे अभी मैं जब पूछूंगी आंसर तो आप लोग बोलिएगा, ओके, तब मैं कॉपी में राइट करूंगी। आप लोग जब ये सुनिएगा, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोग बोलिएगा कि आंसर क्या होगा, मतलब उत्तर क्या होगा। री श शपर ई की मात्रा शी, ऋषि। क कपर आ की मात्रा क, ए का ए। अपर आ की मात्रा श, माश्रम आश्रम। थ थपर आ की मात्रा थ, उड़ीग्राम ऋषि का ए आश्रम था। अपर आ की मात्रा सा आस, पपर आ की मात्रा सा पास। व ट वट। क पपर आ की मात्रा क, ए का ए। वापेरी की मात्रा छ वृक्ष। थ थपर आ की मात्रा था पूर्ण विराम, आस पास वट का एक वृक्ष था। उ ध रा उधर। मा मापेरी की मात्रा मृत, ग मृत। त तापेरी की मात्रा त्री रा तिड़। च रा चर। र हा हापर आ की मात्रा रहा। थ थपर आ की मात्रा था पूर्ण विराम, मृत तिड़ चढ़ रहा था। ए का ए। ना नापेरी की मात्रा पा नृप। आ पर आ की मात्रा आ, या पर आ की मात्रा या आया पूर्ण विराम, एक नृप आया। र सॉरी री श शपर ई की मात्रा शी, ऋषि। क पर आ की मात्रा क, क ह ना नपर आ की मात्रा ना कहना। थ थपर आ की मात्रा था ऋषि का कहना था। र पर आ की मात्रा ज न राजन। क कपरी की मात्रा प, पपर आ की मात्रा प कृपा। ला लपर उ की मात्रा लू कृपालु। ब न बन पूर्ण विराम, राजन कृपालु बन।
ज, जा पर ई की मात्रा जी, व जीव, का पर आ की मात्रा क, व धा वध, म ता मत, कर कर, पूर्ण विराम जीव का वध मत कर। उ सा उस, मा मापेरी की मात्रा ग मृग, प र पर, का पेरी की मात्रा प पर आ की मात्रा कृपा, क र कर, पूर्ण विराम उस मृग पर कृपा कर। यह यह, सा पर उ की मात्रा सु, ना सुन, क र कर सुनकर, ना नापेरी की मात्रा नृ, पा नृप, च ल, ल पर आ की मात्रा चला, ग य, य पर आ की मात्रा गया, पूर्ण विराम या सुनकर नृप चला गया। मा, मा पर री की मात्रा मृ, ग मृग, ब च बच, ग या पर आ की मात्रा गया, पूर्ण विराम मृग बच गया। री श, श पर ई की मात्रा शी ऋषि, ख, ख पर उ की मात्रा खू, श खुश, हा, हा पर ओ की मात्रा हो, ग या पर आ की मात्रा गया, पूर्ण विराम ऋषि खुश हो गया। हो में जो है ये 12 हरी में किस लाइन पर आती है, देखिए अ अ इ ई उ ऊ, है ना, ए ऐ ओ औ अंग आ। तो यहाँ पे क्या है, हो कौन सी लाइन में आई, देखिए अ अ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ, ओ की मात्रा है ना, तो कौन से नंबर पे आया है, 9 नंबर पे, 9 लाइन पे, है ना। ओके थैंक यू। अभी नेक्स्ट आपको कॉपी में राइट करना बताएंगे। डियर स्टूडेंट, ओपन योर हिंदी होमवर्क कॉपी। मेंशन योर नेम, मेंशन HW एंड डेट 27 अगस्त 2020। ओके, उसके बाद आपको राइट करना है री की मात्रा, अंडरलाइन करना आपको इस तरह से, फिर आपको लिखना है टू फिंगर का गैप करके, म, वहाँ पर री की मात्रा मृग, ग मृग, ब च बच, ग या पर आ की मात्रा गया, मृग बच गया। ओके, नंबर 1 आपको क्या राइट करना है, र, पा के नीचे क्या है, र आदर्श, न, न पर ओ की मात्रा नो प्रश्नो, क, क पर ए की मात्रा के, उ आधा ता पूरा ता, र उत्तर, द, द पर ई की मात्रा दी, ज, जब ई की मात्रा जी, ए दीजिए, पूर्ण विराम प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, री श, श पर ई की मात्रा शी ऋषि, क, क पर आ की मात्रा क, ए का एक, अदा क या पर आ की मात्रा क्या, थ, थ पर आ की मात्रा था, प्रश्नवाचक चिन्ह ऋषि का एक क्या था, आपने अभी पढ़ा ना चैप्टर, ऋषि का एक क्या था, बोलिए, ऋषि का एक आश्रम था ना, तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर 1 मतलब आंसर नंबर 1 ऋषि, देखिए राइट है ना, आपको इसी तरह से इसको देखकर राइट कर लेना, री श, श पर ई की मात्रा शी ऋषि का एक, का एक ऋषि का एक, आ पर आ की मात्रा श, मा आश्रम, था पर आ की मात्रा था, पूर्ण विराम ऋषि का एक आश्रम था, आपने क्या की जगह क्या राइट किया, आश्रम, है ना। इसी तरह से आपका देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, आ अपरा की मात्रा सा आस, प पपरा की मात्रा प सा पास, बीच में ऐसे आपको डैश देना है, आस पास, क कपटी की मात्रा की, स किस, क कपर आ की मात्रा का किसका, ए का एक,
वापेरी की मात्रा वृ छ वृक्ष थ थपर आ की मात्रा था। आस पास किसका एक वृक्ष था। प्रश्नवाचक चिन्ह उत्तर नंबर 2 लिखेंगे आप लोग, है ना, इस तरह से। आस पास किसका एक वृक्ष था तो आप लोग प्रश्न से देखकर लिखेंगे अ अपर आ की मात्रा सा आस आस बीच में ऐसे डैश देंगे प पपर अ की मात्रा प स पास आस पास किसका की जगह आपको क्या लिखना है वट वट आस पास वट का पर आ की मात्रा का पर ई की मात्रा की सा किस को हटा देना का से लिख लेना है का ए का एक वा पे री की मात्रा छ वृक्ष थ थपर आ की मात्रा था पूर्ण विराम आस पास वृक्ष सॉरी आस पास वट का एक वृक्ष था। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। मापेरी की मात्रा मृग ग मृग अधक या पर आ की मात्रा क्या च र चर र हा पर आ की मात्रा रहा था पर आ की मात्रा था। प्रश्नवाचक चिन्ह मृग क्या चर रहा था। मृग क्या चर रहा था, मृग तिड़ चर रहा था ना, तो आप लोग उत्तर नंबर 3 लिखेंगे इस तरह से। फिर लिखेंगे मा पर री की मात्रा मृग ग मृग री की मात्रा है जो वर्ड के नीचे लगाना है त तपे री की मात्रा रा तिड़ च रा चर रा हा हा पर आ की मात्रा रहा था पर आ की मात्रा था पूर्ण विराम मृग तिड़ चर रहा था। आपका प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन 4 को 4। ज ज पर ई की मात्रा जी व जीव का पर आ की मात्रा का अधक या पर आ की मात्रा क्या मा ता मत कर कर। प्रश्नवाचक चिन्ह जीव का क्या मत कर, आपने पढ़ा ना, तो क्या मत कर। ज ज पर ई की मात्रा जी व जीव का पर आ की मात्रा का व ध वध मिस मारना, जीव को नहीं मारना चाहिए ना, जीव का वध मा ता मत क र कर पूर्ण विराम जीव का वध मत कर। ये आपका क्या है उत्तर नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5 क्या है आपका, कौन बच गया, है ना, तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, आंसर में कौन बच गया था। मा पे री की मात्रा ग मृग ब च बच ग या पर आ की मात्रा गया पूर्ण विराम मृग बच गया। आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से करना, मतलब क्वेश्चन आंसर इसको करना। नेक्स्ट पेज में आपको क्या लिखना है, देखिए सुलेख लिखें, कितने पेज, 1 पेज। आपको मैंने बताया ना, इस तरह से अपनी बुक को रखना है, जो भी चैप्टर आप लोग ने रीड किया है, पढ़ा है, मतलब आपको उसी चैप्टर का राइटिंग करना है, मतलब सुलेख लिखना है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुलेख। तो देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ से ही आप लोग राइट करेंगे। देखिए इस तरह से ऋषि, और आपको रीड कर करके पढ़ पढ़ के लिखना है। क आपकी मात्रा का ए का एक, देखिए यहाँ से देखकर आपको राइट करना ना, आ पर आ की मात्रा श मा आश्रम थ पर आ की मात्रा था पूर्ण विराम ऋषि का एक आश्रम था। इसी तरह से आपको 1 पेज क्या करना है, राइटिंग मतलब सुलेख। आपको बुक से अपने देखना है, आपके 1 पेज में जितना भी आता हो आप उतना राइट करिएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, जिस तरह से बुक में आपके राइट है उसी तरह से आपको आपकी कॉपी में राइट करना है। वट वट का पर आ की मात्रा का ए का एक वपरी की मात्रा छ वृक्ष थ थपर आ की मात्रा था उधर, इससे क्या होती है
आपकी जो राइटिंग होती है इम्प्रूव होती है, मतलब राइटिंग बहुत ही अच्छी बनेगी जब आप लोग अच्छे से, और इससे रीडिंग भी अच्छी होती है जब आप लोग पढ़ पढ़ कर, जिस तरह से देखिए मैं राइट कर रही थी ना बोल बोल कर पढ़ पढ़ कर, उसी तरह से आप लोग को भी बोल कर पढ़ कर राइट करना है। ओके देखिए इस तरह से आपको वन पेज राइटिंग करना है। ओके जितना भी आपके वन पेज में आता हो आप उतना राइट करिएगा, बट मतलब लेकिन आप लोग ने जो भी रीड किया, जो चैप्टर रीड किया है आप लोग उसी की राइटिंग करिएगा। जैसे कि आप लोगों ने आप री की मात्रा रीड किया ना, मृग बज गया, आपको इसी का राइट करना है। ठीक है ओके। नेक्स्ट आपकी क्या कौन सी बुक है? हिंदी सुलेख की। ओपन योर हिंदी सुलेख बुक। आपको देखिए मेंशन करना है SW एंड डेट 27/8/2020। आपको कौन सा पेज राइट करना है? पेज नंबर 20। आपका का क्या है? चित्र पहचान कर नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं ना, उसको आपको पहचानना है और उसके नाम लिखना है। यह क्या है? बकरी। तो ब का बक लिखा हुआ, आपको क्या लिखना है? र, र पर ई की मात्रा री, बकरी। घ, ड़ा, ड़ा पर ई की मात्रा ड़ी, घड़ी। ई मा इन, ला, ला पर ई की मात्रा ली, आपको किस चीज की मात्रा यहाँ राइट करना है, लिखना है ई की मात्रा। लड़की, लड़ लड़, का पर ई की मात्रा की, लड़की। मा का मक, ड़ा पर ई की मात्रा ड़ी, मकड़ी। सा, सा पर ई की मात्रा सी, ट पर ई की मात्रा टी, सी टी। देखिए आपने यहाँ पर कौन सी मात्रा राइट किया है? ई की मात्रा। खा क्या आपका? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, दो वर्ड लिखे हुए हैं, मीठी मिठाई। आपका देखिए क्या है? म, न, न पर ई की मात्रा, श, मनीष, डैश, र, ब, रब, ड पर ई की मात्रा ड़ी, रबड़ी। ख, ख पर आ की मात्रा ख, पूर्ण विराम, मनीष, रबड़ी, खा। मा, मा पर ई की मात्रा मीठ, ठ पर ई की मात्रा थी मीठी। मा, मा पर ई की मात्रा मीठ, ठ पर अ की मात्रा ठ, ई मिठाई। रमेश क्या खा? मीठी। टिक करना है और यहाँ पर आपको राइड भी करना। मा, मा पर ई की मात्रा मी, ठ पर ई की मात्रा थी मीठी, मनीष मीठी, रबड़ी, खा। दूसरा क्या आपका? र, र पर अ की मात्रा र, न, न पर ई की मात्रा नी, रानी। डैश मतलब खाली जगह। प, प पर ई की मात्रा पी, कर, कर पी कर। ज, ज पर अ की मात्रा ज, पूर्ण विराम, रानी पी कर ज। क्या? नानी या पानी? पानी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? प, प पर अ की मात्रा न, न पर ई की मात्रा नी, पानी। इसी तरह से रानी लाई, रानी साड़ी लाई। कौन सी साड़ी लाई? काला या नीली? तो क्या? नीली। ना, ना पर ई की मात्रा नी, ला, ला पर ई की मात्रा ली, नीली। रानी नीली साड़ी लाई। मीना मत खा, क्या मत खा? लीची या आम? लीची, क्योंकि आप लोग यहाँ पर कौन सी मात्रा पढ़ रहे हैं? ई की मात्रा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? लीची। ला, ला पर ई की मात्रा ली, च, च पर ई की मात्रा ची, मीना लीची मत खा। ओके आपको फिर सेकंड पेज भी आपको राइट करना है, SW मेंशन करना है, आपको डेट नहीं मेंशन करना है। देखिए म, ध, ध पर उ की मात्रा धु, मधु। प, प पर उ की मात्रा पु, ला, पुल। क, क पर उ की मात्रा कु, ला, ला पर ई की मात्रा ली, कूली। ध, न, न पर उ की मात्रा नु, श, धनुष। आपको पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21 दोनों राइट करना। ओके थैंक यू।